ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वराह जयंती 2023 में कब है और वराह जयंती पर पूजा का शुभ समय कब है और इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। जो भी विष्णु भगवान के भक्त हैं वो सभी जानते हैं विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में। उन्हीं अवतारों में से तीसरा अवतार थे वराह। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि वराह जयंती कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए इस तिथि को भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। मत्स्य और कश्यप अवतार के बाद भगवान विष्णु का यह तीसरा अवतार है। इस वर्ष वराह जयंती 17 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है और उनसे सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से भक्त को स्वास्थ्य और धन सहित सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन सुख समृद्धि की कामना से भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ उनका व्रत और उपवास भी किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के मंदिरों में भजन कीर्तन किए जाते हैं। आइए अब हम सब जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है और इसका मुहूर्त क्या है। तो अब बात करते हैं ये तिथि कब प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। इस तिथि का प्रारंभ होगा 17 सितंबर रविवार को सुबह 11:08 से और ये तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:39 पर। और वराह जयंती का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:39 से 4:07 तक शाम के। अब इसकी पूजा की विधि जानते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वत्र हो जाएं। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। वराह भगवान की मूर्ति या प्रतिमा का गंगा जल से स्नान कराएं। पीले चंदन से तिलक करें। अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई आदि सब भगवान को अर्पित करें। भगवान को भोग लगाकर उनकी आरती करें। पूजा करने के बाद उनके अवतार की कथा को पढ़ें। अब संक्षिप्त में जानते हैं वराह अवतार की कथा। भगवान विष्णु के वराह रूप में अवतरित होने की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कश्यप ऋषि की पत्नी और दैत्य माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों ने जन्म लिया। चूँकि इनका जन्म 100 वर्षों के गर्भ के पश्चात हुआ था, इस कारण जन्म लेते ही उनका रूप विशालकाय हो गया। यह भी धारणा प्रचलित हुई कि दैत्य जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं। इनके जन्म लेते ही समस्त लोकों में अंधकार छाने लगा। अब हिरण्यकश्यपु में अमर और अजय होने की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी से देव, दानव, मानव किसी से भी पराजित न हो सके ऐसा वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए। देखते ही देखते उसने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया और हिरण्यक्ष इसमें बराबर उनकी मदद करता रहा। एक बार हिरण्यकश्यपु ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वरुण ने विनम्रता से कहा कि आपसे टक्कर लेने का साहस अब मुझ में कहाँ है। केवल भगवान विष्णु ही हैं जो तुम जैसे बलशाली से युद्ध करने में समर्थ हैं। जब वरुण देव ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए तो वह युद्ध के लिए ललायित होकर भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। नारद मुनि से उसको यह सूचना मिली कि भगवान विष्णु वराह का अवतार लेकर रसातल से पृथ्वी को समुद्र से ऊपर ला रहे हैं। इसके पश्चात युद्ध में उन्मादी हिरण्याक्ष समुद्र के नीचे रसातल तक जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा
कि वराह रूपी भगवान विष्णु अपने दांतों पर धरती को उठाकर चले आ रहे हैं। उसने भगवान विष्णु को ललकारा, लेकिन वह शांत चित्त से आगे बढ़ते रहे। वह उन्हें तरह तरह के कटाक्षों से उकसाने लगा, लेकिन भगवान तो भगवान हैं, वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। जब भगवान विष्णु अपना काम पूर्ण कर चुके और उचित आधार देकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तब उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा कि सिर्फ बातें ही करते हो, लड़ने का साहस रखते हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्यों नहीं मुझ पर प्रहार करते। उनके इतना कहते ही बिना कुछ सोचे समझे वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने वराहरूपी भगवान विष्णु पर अपनी गदा से प्रहार किया, भगवान विष्णु ने अगले ही पल उसकी गदा छीनकर उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद क्रोध में आकर वह त्रिशूल से भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसके हथियारों के वार विफल होने लगे, तब वह मायावी रूप धारण करने लगा, अपनी माया से भगवान को भ्रमित करने के प्रयास करने लगा। जब वह सारे प्रपंच कर चुका, तब भगवान विष्णु ने उसका संहार किया। भगवान के हाथों मृत्यु भी मोक्ष ही देती है। हिरण्याक्ष सीधा वैकुंठ लोक को गमन कर गया। हिरण्याक्ष वध और वराह अवतार के बारे में भागवत पुराण की कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मनु एवं सत्रुपा की रचना की, लेकिन इसके लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता थी, जो कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य के कब्जे में थी। सागर के तल में वह पृथ्वी को अपना तकिया बनाकर सोया करता था। देवता उस पर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि उसने अपने चारों ओर विष्ठा का घेरा बना रखा था, जिससे देवता उस पर आक्रमण नहीं कर सके। अब ब्रह्मा जी के सामने ये संकट था कि कोई भी देवता विष्ठा के पास नहीं जाएगा, ऐसे में पृथ्वी को मुक्त कैसे कराया जाए। लेकिन हर संकट का समाधान अंततः नारायण के रूप में ही मिलता है। उन्होंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे कि शुकर ही ऐसा जीन है जो विष्ठा के पास जा सकता है। अतः ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया और पृथ्वी को ऊपर लाने की आज्ञा दी। तब वराह रूपी भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का संहार करके भूदेवी को उसके चंगुल से मुक्त कराया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के उद्देश्य से ही वराह अवतार के रूप में जन्म लिया था। संयोगवश जिस दिन वराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, इसीलिए इस दिन को वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण।